ये आप लोग को सबसे पहले हर हर महादेव। ठीक है, आज से तो पूजा स्टार्ट है, 59 दिन का लगातार भूखे रही है। 59 दिन आज से हम भी 59, हाँ 59 दिन पे आज से हम भी हैं। 59 दिन के बाद 60वां दिन खाना खाएंगे, 59 दिन के बराबर। ठीक है, आज से 59 दिन तक भूखे रहना है सबको। चलिए देखिए, कैलेंडर हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। कैलेंडर जैसे कि आप जानते हैं कि कैलेंडर आज से नहीं, बहुत समय पहले से चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो टाइम होगा जब कैलेंडर नहीं होगा। जब दुनिया का शुरुआत हुआ उस टाइम तो कैलेंडर नहीं था, ठीक है। तो आप लोग एक रोमन डायनेस्टी आप लोग पढ़े होंगे, रोमन साम्राज्य, ठीक है ना। तो कैलेंडर का जो शुरुआत किया था वो रोमन साम्राज्य ने किया था, ठीक है, वहीं से शुरुआत हुआ है। अब समझिएगा ये कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। आप जानते हैं कि कैलेंडर सबके घर में होगा, तो कैलेंडर में क्या क्या छपा रहता है, आपका डेट कब है, फेस्टिवल का क्या है, छुट्टी कब है, संडे कब है, मंडे कब है, सब चीज पता चलता है उसमें, कि कौन सा डेट को कौन सा दिन होगा ये भी पता चलता है। और इसमें क्वेश्चन आपका किस तरह का रहता है, यही ना रहता है कि आज अगर ये दिन है तो बताइए 20 साल बाद कौन सा दिन होगा, या 20 साल पहले कौन सा दिन होगा, 1947 में बताइए कौन सा दिन होगा। तो ये कहने का सेंस है, इसमें आपका क्वेश्चन जो बनेगा आपको देगा कि अगर आज 8 तारीख 8वां महीना को अगर सोमवार है तो बताइए कि आप 1947 में 3रा महीना को 4था दिन को क्या होगा, ठीक है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, ठीक है ना। इस ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टार्ट किया गया था, जिससे आप लोग अच्छा मतलब कैलेंडर जानते होंगे, कैलेंडर हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं। आपको वो समझना चाहिए कि वो ब्रांडिंग है, ठीक है ना, वो छापते हैं सिर्फ उसको, जो हम लोग फॉलो करते हैं ना। यहाँ देखिए सेकंड नंबर में लिखे हैं ग्रिगेरियन कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना, यही कैलेंडर फॉलो करते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य जो हम आपको बोल रहे थे, रोमन साम्राज्य के पहले कोई भी कैलेंडर का कोई भी चर्चा नहीं था। अब देखिए जरूरत क्यों पड़ा, जब वो मतलब कि करवा रहे थे अपना, वो डेंसिटी जब चला रहे थे अपना साम्राज्य, तो उसको बहुत तरह का मतलब कि प्रॉब्लम्स आता था, पता ही नहीं चलता था कि कब कौन सा दिन कौन सी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कब फेस्टिवल मना रहे हैं, कब बच्चे का दिन मतलब जन्मदिन मना रहे हैं, या कुछ भी मना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज पे वो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सही करने के लिए वो क्या बोले, अपना जितना भी महामंत्री सब या जो भी थे उसको एकत्रित किए, बोले कि ऐसा कुछ बनाइए जो जितना भी चीज चल रहा है वो संगठित ढंग से चले, ठीक है ना, एक एक मतलब कि सही ढंग से चले, पता चले हाँ इतना दिन को इतना तारीख को ये होगा, ठीक है। तो इस चीज पे बहुत गहन अध्ययन हुआ, तो इस चीज पे बनाया गया। तो समझिए डायरेक्टली ये नहीं आया था, इसके पहले भी बहुत सारा रहा है कैलेंडर, ठीक है ना, वो किसी ना किसी वजह से गलत हो गया, मतलब कि सही सही नहीं बैठा। बनाना था उसको सूर्य के माध्यम से बना दिया, चंद्रमा से, ठीक है, या मंगल ग्रह के अनुसार बना दिया, कि वहां जैसा दिन होता है वहां की तरह बन गया, तो गड़बड़ हो जाता है, दिन रात में कभी मिल नहीं रहा है, कभी 14 जो आपका चिल्ड्रंस डे आता है 14 को तो उसमें आ रहा था 19 को, ठीक है, ये डिफरेंस हो रहा था। जब डिफरेंस हो रहा था तो गलत हो रहा था। अब धीरे धीरे बनते बनते तो ये ग्रिगोरियन बना, ठीक है ना। इसके बाद से अभी तक दूसरा कोई कैलेंडर नहीं आया है। ये एकदम सटीक दिखाता है आपका जो टाइम जब होना चाहिए, ये उसी टाइम दिखाता है, उसी डेट को दिखाता है, ठीक है ना, कि मंडे कब होगा, मंगलवार कब होगा, या अगला जो आने वाला है कि कोई पर्व होगा, यानी होली होगा, दशहरा होगा, तो कब किस तारीख को होगा पहले पता चल जाता है, चलता है ना। और ये एकदम सटीक डेट है, समझे ना, ग्रिगोरियन। इसलिए हम लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, ग्रिगोरियन कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर में जो पहले से था, ठीक है, हाँ ये नाम है, नाम रखा गया है। अब बोलेगे ये पोस्टर नाम क्यों है, अब बोलिए हाँ कैलेंडर का नाम मतलब कि रखा गया था, जैसे कि हम कोई भी चीज बनाए तो उस चीज का आप नाम कैसे, ब्रांडिंग कैसे बुलाएंगे, हाँ अपना ये चीज बनाए हैं, तो वो ऐसे ही है, जैसे ये कार है तो कार बोलते हैं उसको, सेम टू सेम ग्रिगोरियन उसका नाम रखा गया है। इसके पहले भी बहुत सारा कैलेंडर था नाम का, लेकिन वो नहीं चला, ठीक है, इनके बाद से दूसरा कोई आया नहीं, यही सटीक बैठ गया सारा चीज पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, मेन ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर जो देखिए पहले चलता था, कैलेंडर जब बना, ठीक है ना, उसके पहले भी तो साम्राज्य चल रहा था, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उसके पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो कैलेंडर में दो तरह का मतलब कि डेट लिया गया, एक आपका लिया गया बीसी, ठीक है ना, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, देखिए एक लिया गया बीसी, बीसी को कहते हैं क्या, बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं ना। अब दूसरा जो हम लोग मतलब कि लिया गया कैलेंडर में वो एडी लिया गया, लिया गया ना, इसको कहते हैं एनोडोमनी, एनोडोमनी जो हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं, अभी चल रहा है कि नहीं, और अभी यही चल रहा है,
अब समझिएगा कि इसको लेने का जरूरत क्यों पड़ा, ये कैसे सोचा कि हम जो बीता हुआ समय था, जो कैलेंडर जब बना, कैलेंडर बनने के जितना भी डेट पीछे का है उस सारा को नाम दिया गया बीसी, ठीक है, और कैलेंडर जब से बना, जब से आगे चला उस सबको क्या नाम दिया गया, एडी। अभी हम लोग एडी में ही चलते हैं, इसमें में ही लिखते हैं ना, बीसी में नहीं लिखते हैं हम लोग। अगर पढ़ते हैं कभी, यानी 1546 1446 तो कभी उसमें बीसी लगाते हैं ना, यानी कैलेंडर बनने के वो पहले का है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। देखिए बीसी का अर्थ होता है कि बिफोर क्राइस्ट का अर्थ है, ईसा पूर्व का है कि ईसा मसीह, समझते हैं ना, ये जो बनाने वाला भी जो था ना धर्म, वो ईसा मसीह से रिलेटेड ही था, ठीक है ना। तो उसने दिया कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके जन्म के पहले को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर उनके जन्म के पहले, ठीक है ना, कैलेंडर का। और जो जब उनका जन्म हुआ उस टाइम से जो चला उसको बोलते हैं कि आफ्टर जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट का दौर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जीसस का क्या बोलते हैं दौर, समझ लीजिए आगे वाला जो चल रहा है अभी, ठीक है ना, ये जीसस का ही चल रहा है, इसको बोलते हैं द एरा ऑफ जीसस, यानी जीसस का दौर चल रहा है, ठीक है, उनके पहले को बोलते हैं बिफोर जीसस, यानी जीसस के पहले वाला, ठीक है। ये दोनों में समझ में आ गया क्या होता है कि आपका बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, एनोडोमनी क्या होता है, समझ गए ना, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के पहले, जन्म के पहले वाला जो कैलेंडर चल रहा था उधर अलग है, उसको नाम दिया गया बीसी, ठीक है ना। और उसके बाद जो अभी चल रहा है इसको बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बाद, उसके जन्म के बाद जितना भी चला, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से एक तारीख जोड़ा गया, जो पहला डेट लिया गया 01010001, ठीक है ना, ये पहला डेट लिया गया था, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन का रखा गया है, ठीक है ना। ये तारीख आपका फर्स्ट डे अगर पूछ लेगा फर्स्ट डेट क्या होता है, तो ये हो सकता है कभी गलती से पूछ दे, ठीक है, और पूछ देगा कि दिन का पहला दिन कौन सा होता है बताइए, तो फर्स्ट डे यानी जो लिया गया था उस टाइम, जो पहला एक एक और ये एक था, उस दिन जो पहला दिन जोड़ा गया था वो यही लिया गया था, कौन सा, मंडे, यानी सोमवार लिया गया था, ठीक है ना। यानी बोलेगा कैलेंडर जो शुरुआत किया गया था उसका पहला दिन कौन सा लिया गया है, तो मंडे लिया गया था, सोमवार लिया गया था, ठीक है। और आपको अगर पूछ देगा कि वीक का भी फर्स्ट डे कौन सा होता है, यानी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सोमवार होता है, ठीक है, यानी मंडे होता है। ये चीज में आप ज्यादा फंसिएगा नहीं, ये तीनों इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, नोट कर दिए। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ग्रिगेरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये आपका एग्जाम में आता भी है कि हम लोग कौन सा कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम लोग ग्रिगेरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला डेट कौन सा था, एक एक एक, ठीक है ना, पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार, और सप्ताह का पहला दिन सोमवार, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फटाक से, आगे बढ़ेंगे। पूरा विश्व में चल, स्टार्ट करिए कर दिया है, ओह भाई बड़ा फास्ट है हमारे सर, देखिए चलिए देखिए, कैलेंडर में आप जानते हैं कि वन वीक में कितना डेज होता है, जो हम लोग पहले से कंसीडर करके दिया गया है वो 7 दिन दिया गया है, ठीक है। अगर 9 दिन भी रहता था कि हम लोग उस पर क्लेम कर सकते थे, 9 दिन ही जोड़ते, ठीक है, तो 7 चल रहा है तो 7 ही। आप जानते हैं कि वन वीक में, ठीक है, एक सप्ताह में आपका 7 डेज होता है, तो हम लोग जितना भी डेज काउंट करेंगे ये 7 के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताइए कि 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में कितना वीक होता है, अब बताइए 7 दिन में कितना वीक होगा, 1 वीक होगा 7 डेज में, यानी 7 दिन में कितना सप्ताह होगा, तो 1 सप्ताह होगा। अब बताइएगा 7 को अगर बोलिएगा कि 7 से ही भाग दिया तब ना 1 आया है, हाँ, ये 7 दिन जो है हम कैसे जाने कि ये 1 आया, आप बताइए, क्योंकि 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो ये 7 दिन को अगर हमको निकालना है तो 7 से भाग दिए तो 1 बार में खा गया, इसका मतलब ये 1 दिन आ गया, आ गया कि नहीं, 1 दिन आ गया। अब बताइए अगर यहां पर 14 दिन आ जाए, ठीक है, 14 डेज आ जाए, तो कितना वीक बनेगा, 2, यानी 2 वीक बनेगा। यानी आप जाने यही कि सर ऊपर में 14 था, 14 दिन का था, 7 से भाग दिए तो 2 बार में खा गया, यानी 2 वीक बना के नहीं। अगर अब पूछ दे आपसे, ठीक है, अब पूछ दे कि आप बताइए कि 16 डेज में कितना वीक होता है, बताइए 16 डेज में कितना वीक होता है, अब देखिए 7 था 14 था तो बहुत आराम से हो रहा था, अब 16 आ गया तो गड़बड़ा गया सब आधा, ठीक है। देखिए 16 आ गया तो आपको वही करना है कि 16 में भाग देना है 7 से, आप जानते हैं कि 2 बार तो पूरा पूरी खा जाएगा, खाएगा अपने 14, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, बचेगा ना, यानी आप यहां कह सकते हैं कि 2 वीक होगा सर, प्लस में 2 डेज एक्स्ट्रा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
अगर आपको यही चीज पूछे कि आप बताइए 30 दिन में कितना होता है, कितना वीक होता है, तो आप बताइए कितना होगा। देखिए 7 से भाग दीजिएगा 30 में, सच्चो के 28, यानी 4 वीक तो आ जाएगा इसमें, और 28 में प्लस 2 दिन तो आपका फिर से एक्स्ट्रा आएगा, अगर नहीं आएगा। अगर आप पूछे कि आप बताइए 28 दिन में कितना वीक होता है, 4 वीक होगा, यानी यहां पर भी आपका कितना आ गया, 4 वीक। इसमें कोई मतलब कि बचेगा क्या रिमाइंडर, नहीं बचेगा ना। अब बताइए कि 365 दिन में कितना आएगा, 365 दिन में आपका कितना वीक बनेगा, 73। इसको चाहे आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, 52 वीक बनता है, ठीक है, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा रहता है, ध्यान दीजिएगा, 52 बार में ये पूरा पूरी कटेगा, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि 366 दिन में आप बताइए कितना वीक होता है, तो सेम टू सेम 52 तो रहेगा, 52 वीक प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। अब समझिएगा इसको, मतलब इतना लिखने का मेरा कारण क्या था, पर्पस, ठीक है। आप जानते हैं 365 में तो एक साल होता है, ठीक है, और 366 ये लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर समझते हैं ना किसको कहते हैं, जिसमें फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, तो 365 का जगह 366 जाता है दिन। अब समझना है कि 7 दिन में एक वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में एक वीक होता है, इसमें तो मेरा एको दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा था, एको दिन बचा था क्या, यहाँ पर 0 डे बचा था, यानी एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा था, ठीक है। और यहाँ पर भी 14 था, तो इसमें भी कितना बचा था, 0 डे एक्स्ट्रा बचा था, 16 में 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 30 में 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, इसमें मेरा कितना दिन बच गया, 0 डे बचा एक्स्ट्रा, और 365 में भी एक दिन बचा, 2 दिन। आप समझिएगा कि ये जो हम लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, पूरा कैलेंडर जो आप लोग का बनेगा वो इस सब से नहीं है, इसी से बनेगा, ठीक है। हम लोग का जितना भी जो भी जिस तरह का भी सवाल आए, अगर ये एक्स्ट्रा डेज नहीं रहेगा तो आपके आपसे संभव नहीं है कैलेंडर बन जाए, ठीक है ना। शुरुआत से लेकर के अंत तक में आपको यही काम आएगा कि कितना डेज आपका एक्स्ट्रा बचा, ये जितना भी यहां पर लिखे हैं, ठीक है ना। ये समझाने का अर्थ है कि आपको हमेशा ऑड डेज काउंट करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं हम लोग ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज का अर्थ है कि हम लोग कहते हैं इसको विषम दिन, ठीक है, विषम दिन। अब पूछेगा, अब बताइए कि 7 दिन में, 7 जो दिन है इसमें कितना विषम दिन होता है, तो कितना होता है, 0, 0 होता है। अब पूछेगा 14 दिन में बताइए कितना विषम दिन होता है, 0 होता है। 16 दिन में बताइए, 2 दिन विषम होता है सर, होता है कि नहीं। यानी इस चीज से समझिएगा कि ये विषम दिन जितना है यही आपको हेल्प करेगा कैलेंडर का जितना भी सवाल होगा उसको सॉल्व करने में, आपका यही मेन हेल्प करेगा, हमेशा आपको एक्स्ट्रा दिन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को, इसको फटाक से काउंट करिए आप लोग, मतलब नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, जो सबसे पहला इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपको पूछेगा डायरेक्टली कि बताइए विषम दिन क्या होता है, ठीक है, विषम दिन क्या होता है, और इसका ऑप्शन जो रहेगा ए नंबर रिमाइंडर ऑफ 9, बी रिमाइंडर ऑफ 7, सी रिमाइंडर ऑफ 8 एंड डी रिमाइंडर ऑफ 9। इसका अर्थ हो गया कि 9 का शेष, ठीक है, 7 का शेष, 8 का शेष या 9 का शेष। अब बताइए 9 भी हो गया तो यहाँ 10 दे दीजिए, ठीक है, 10 का शेष। तो किसको आपको ध्यान में रखना है, अगर विषम दिन पूछेगा तो विषम दिन निकालने के लिए हम लोग हमेशा 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो इसलिए 7 का जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसी को कहते हैं विषम दिन। यही ना बचा था, जो 16 को हम लोग भाग दे रहे थे, आप सोचिए 16 को हम 7 से भाग दे रहे थे, तो 7 × 2 = 14, जितना जो नीचे बचता है इसी को कहते हैं क्या, शेषफल कहते हैं, कहते हैं ना रिमाइंडर कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर होता है, हिंदी में शेषफल कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कैलेंडर के हिसाब से विषम दिन, ठीक है। जो नीचे बचेगा इसको कहेंगे विषम दिन, तो 7 का ही समझिएगा कि वहां हिंदी में रहेगा कि आपका 7 का बोलते भागफल या शेषफल रहेगा, कि 7 का शेषफल, तो विषम दिन कहते हैं 7 के शेषफल को, रिमाइंडर ऑफ 7 को, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन, यानी पहले ओड डेज आप निकालने के लिए सीखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट और निकालिए। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका, इस पे जितना भी क्वेश्चन मतलब कि ये वाला आएगा, आपको पहले विषम दिन निकालने के लिए आना चाहिए अच्छे से, तभी कैलेंडर बनेगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, 49 दिनों में, 49 दिनों में
कितने विषम दिन होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन उतारते जाइएगा आप लोग, आंसर आता है लिखते जाइएगा, ठीक है। 120 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? तीसरा नंबर, 365 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? जितना लिखा रहे हैं आप लोग सब चीज उतारिएगा। फोर्थ नंबर, 366 दिनों में, एक तो कॉन्सेप्ट तो खत्म कर लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट, इसको खत्म कर लेंगे, कल दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। 366 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? उनतीस दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? चलिए इतना ही काफी है, ठीक है, कल दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे। विषम दिन फटाफट निकालिए, 7 से विषम दिन कैसे निकलेगा कि 7 से भाग देने से, जो रिमाइंडर बचेगा वो विषम दिन कहलाएगा। जैसे 49 में अगर हम 7 से भाग दें तो पूरा पूरी खाएगा, तो इसमें विषम दिन कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है, 0 ऑड डेज, 0 विषम दिन। और 120 में अगर 7 से भाग दें तो आप बताइएगा, 70 से कटता है 119, तो इसमें कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका? 1 बच जाएगा, यानी इसमें 1 दिन होगा एक्स्ट्रा, यानी विषम दिन 1 दिन निकलेगा। 365 में भी तुरंत लिखाए थे 1 दिन विषम दिन होता है, 366 में भी लिखाए थे कि 2 दिन आपका बनता है इसमें विषम दिन, ठीक है। 29 में सच्चो के 28, तो 1 दिन आपका बचेगा एक्स्ट्रा, बचेगा ना, इसमें भी 1 दिन आएगा। और 100 में आप बताइए 98 खाएगा, 14 97 98, ठीक है, तो आपका इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है, इतना सा। चलिए इतना सा ही, आपका आज के लिए इतना ही इनफ है।